बोले क्या नाम है आपका? आकाश दीपक शर्मा। क्या कुछ मामला हुआ है? क्या है मामला, क्या कुछ बात चल रहा है? ये मेरे साथ जो है 1/5/2022 को रात्रि 9:30 बजे ये क्षेत्र के एक क्रिमिनल हैं आलोक मिश्रा, सनाफ राजेश मिश्रा, इनके साथी अनुज जायसवाल और शशिकांत जायसवाल, इन लोगों ने मिल करके दिनांक 1/5/2022 को हमारे ही घर के पास हमको बहुत मारा पीटा था। उसके बाद इसमें हमारा मुकदमा हमारी वाइफ ने पंजीकृत कराया था, जो कि 323, 504, 506 और 308 धारा लगाई गई है। उसके बाद मिश्रा जी जो क्रिमिनल हैं, इन्होंने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा 354 और पास्को हमारे ऊपर लगवा दिया था, जो कि बेबुनियाद था, जो कि झूठा था, जो कि विवेचना के दौरान हटा दिया गया है। अब आलोक मिश्रा हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, मुकदमा वापस लेने का कह रहे हैं कि अगर मुकदमा नहीं वापस लिया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। आपने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से की? इसकी शिकायत हमने कमिश्नर साहब SB सिरोडकर को की है और अग्रवाल जी को की है, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उनको भी हमने ये सूचना दे दी है। अब हम परिवार अब समेत यहाँ अकेले रहते हैं। हमारे भाई विकलांग है, माँ मेरी 65-70 साल की है, मैं इनसे लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन ये लोग हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, हमें निकलना बैठना दुश्वार। पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार का आपको आश्वासन मिला या किसी प्रकार की कार्रवाई का? पुलिस प्रशासन ने सहयोग किया हमारा, परंतु अब इस तरीके से खुलेआम घूम रहे हैं, ये कल हमारे पर कोई घटना कर देंगे तो तब पुलिस जागेगी क्या? हम ये सवाल पुलिस से पूछना चाहते हैं। क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन? मैं चाहता हूँ कि इसे क्रिमिनल के ऊपर आपराधिक व्यक्ति है, खुलेआम घूम रहा है, व्यक्तियों को धमका रहा है, कल ये किसी बड़ी घटना को जो अंजाम देगा तब क्या पुलिस जागेगी? ये मैं पुलिस से सवाल करना चाहता हूँ कि उसको उठा के जेल भेज दिया जाएगा।